अबे नहीं हूँ जयपुर में, जोधपुर 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 अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे, हमें दुआ में भी याद रख रहे होंगे। माशाल्लाह आप लोग हमारे काफी सपोर्ट कर रहे हैं, हमें दुआ में भी याद रख रहे हैं, उसकी वजह से हमारा YouTube चैनल काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। वैसे आज हम लोग हमारे फैक्ट्री में थे और हम लोगों ने काफी पसंद भी हमारे जो ट्रक के जो वीडियोस आते हैं। आज फिर हमारे साथ में है हमारे जो ट्रक ड्राइवर है, एक है हमारे साथ दिलशाद खान है और एक हमारे साथ प्रदीप भाई हैं, जो कि दोनों खाना बनाएंगे। देखते हैं आज ये हमारे लिए क्या बनाते हैं, इनकी रेसिपी बताते हैं और इनकी जो लाइफ है उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए सीधा ट्रक के कैबिन में चलते हैं और वहाँ चल के बात। तो चलिए सीधा चलते हैं दिलशाद खान के पास और प्रदीप सिंह के पास में, देखते हैं आज वो क्या खाना बना रहे हैं। चलिए उनके किचन में चलते हैं और आपको बताइए ट्रक ड्राइवर का जो किचन होता है वो कैसा होता है। क्या प्रदीप भाई, आ जाओगे अंदर? आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या बात है, कैसे, ठीक है सब? बहुत बढ़िया है, जोरदार, बिल्कुल। चलो आता हूँ अंदर मैं। क्या बना रहे हो आज हमारे लिए? पकौड़े बना रहे? अरे यार क्या बात है, पकौड़े तो मैं बहुत पसंद भी है। चलो आता हूँ। हम लोग इनके कैबिन में आ चुके हैं और प्रदीप भाई हमारे पास में। कैसे प्रदीप जी? नमस्ते। दिलशाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? तो क्या तैयारी हो रही है? जी। तो चलिए आपको पूरा मुझे बताएं क्या क्या बना रहे हैं आप। दिलशाद भाई देखो इधर। तो प्रदीप भाई पहले क्या कटिंग कर रहे हो आप? जी प्याज काट रहा हूँ मैं। प्याज काट रहे हो? किसके पकौड़े बनाओगे आज? जी ये बनेंगे आलू के और गोभी के। गोभी के? अच्छा, गोभी की तैयारी दिलशाद भाई कर रहे हैं। देखिए दोनों मिल बांट के काम करते हैं माशाल्लाह, इनमें कितनी मोहब्बत है। और मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कितना मिल बांट के हंसी खुशी ये लोग रहते हैं। ये देखिए कटिंग हो रही है और देखिए इनका कैबिन, देखिए हमेशा देखिए कैबिन एकदम सजाया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह क्या बात है। ये पूरा देखा जाए तो इनका पूरा ये रहना करना सब यही होता है, फंका इन्होंने लगाया हुआ है। और इन्होंने देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने जो भगवान है उनकी भी ये सब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही इन लोग होते हैं, अल्लाह और भगवान, इनके भरोसे की गाड़ियाँ अच्छा चलती, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये देखिए। हाँ भाई प्रदीप भाई ये क्या है? मैं बेसन ले गया। बेसन है? बेसन। और ये क्या है? ये पोहे का पैकेट। अच्छा पोहे भी बनाओगे? जी। क्या बात है, देखिए क्वालिटी देखिए इनकी, पूरे ये सब हमारे यहाँ से भी इन्होंने लिया है। सामने सब्जी भी लेके आए, गोभी का पकौड़े और प्याज और आलू। आलू के नहीं ना, सिर्फ प्याज और उसके गोभी के? आलू भी अभी कटिंग हो गया। अच्छा आलू भी हो गए? क्या बात है, करो करो आज सब चीज अपने रिकॉर्ड करेंगे। तो बस इनका वीडियो बनाने का ये मकसद होता है, कितनी मेहनत से लोग काम करते हैं। और घर अपने घर वालों से कितना टाइम तक आप वो मिल पाते हैं? मतलब एक एक हफ्ता हो जाता है हमें गाड़ी पर। अच्छा एक एक हफ्ता हो जाता है? हाँ, घर से हम जा नहीं पाते हैं। आपका कहाँ पे वैसे घर? मेरा आगरा में है, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। हाँ, और इनका ये? मेरा नाम दिलशाद है, मैं टूटले का पास हूँ जो फरीदाबाद के पास पड़ता है। अच्छा, तो मतलब आप दोनों अलग अलग जगह से? जी। मतलब कहीं भी आप जाते तो दोनों जाने एक साथ ही आते हो? एक साथ ही जाते। क्या बात है, मोहब्बत कायम रखे ऊपर वाला आपकी, बस ये बात है। ये देखिए अब ये इन्होंने गोभी की कटिंग कर ली है, यहाँ पे प्याज की तैयारी हो रही है और साथ साथ में मिर्ची के, देखिए बीच में से मिर्ची को कट कर रहे हैं ताकि इसको आराम से बढ़ सके। क्या बात। तो दिलशाद भी आपको ये ड्राइवर का काम करते हुए कितना टाइम हो चुका है? जी मेरे को 7 साल। 7 साल हो गए हैं? 7 साल से आप ये गाड़ी का काम कर रहे हैं? और ये छोटी वगैरह, ये कार वगैरह, ऑटो वगैरह ये भी चलाए हैं। अच्छा ऑटो वोटो आपने सब चलाया, मतलब पूरा आपने ड्राइविंग का काम पूरा किया हुआ है। ट्रक में फिर आपका क्या मकसद हुआ? ट्रक की तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत ही मुश्किल भरी लाइफ होती है। आप गाड़ी कार छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? पापा की वजह से। अच्छा पापा की वजह से, क्या बात है। हाँ माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, क्योंकि उनको एक दफे मेरे सामने थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो गया होगा, गाड़ी नहीं चली, उसी टाइम मैं सीखा। अच्छा आप सीखे उनसे। और प्रदीप भाई आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? 4 साल से मतलब आप यहाँ पे? हाँ। के साथ मुझसे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं छोटी गाड़ियाँ चलाता था। अच्छा आप भी छोटी गाड़ी चलते? हाँ। थे तो उसके बाद गाड़ियाँ चलाता था मैं। पर इसका ये है कि अपन जब ट्रक में जाते हैं तो 10 टाइप के लोग में आपसे मिलते हैं, पूरी रिस्क लेके चलना पड़ता है। रिस्क लेके चलना पड़ता है। साथ साथ में मुझे एक चीज और बताएं, अभी जैसे पुलिस वाले भी आपको रास्ते में परेशान हो करते हैं? पुलिस वाले करते हैं, आरटीओ करते हैं परेशान, पैसे मांगते हैं, 1000 रुपए दो। अच्छा? 2000 रुपए दो। अरे यार कहाँ से दे, हम अपने बच्चों को पालें कि मतलब गाड़ी क्यों, क्या कैसे खर्चा चला बताओ। नहीं नहीं सही, और बच्चों को पालें या कैसे करेंगे। और दूसरी बात ये, अगर हमारे वीडियो बहुत से लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट से हम लोग ये रिक्वेस्ट हमेशा हर वीडियो में मैं करता हूँ कि आप ये जो ड्राइवर जो अपने इंडिया के जो ड्राइवर इनको सपोर्ट करें,
क्योंकि बाहर के जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही वो इजी होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो ड्राइवर इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। आपको ये जैसे खाना बनाते हैं तो खर्चा कितना मिलता है आपको खाना बनाने का? खाना बनाने का हमें 350 रुपये रोज का, मतलब सुबह शाम को उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी जो भी इनके जो भी हैं ओनर, उनको ये बोलूंगा भाई कि थोड़ा से इनको ज़्यादा पैसे दे ताकि ये और अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आदमी अगर खाना खाएगा तो फिर उसको ड्राइविंग करने का मन भी करेगा। देखिए ये देखिए, देखिए कैंपर का पानी इनका एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं। और ये अब बेसन घोल रहे हैं और फिर हमारे बड़े बनाएंगे निशांत भाई। निशांत भाई वैसे आपको क्या क्या बनाना आता है खाने में? आता तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि जब अपन, मैंने ड्राइवरों को इतना खाना खाया है, सब खाना इतना सिंपल बनाते हैं और इतना अच्छा खाना उनका होता है, मतलब एकदम देसी खाना वो लोग बनाते हैं। हम लोग देसी खाते हैं ना, इसलिए हाँ, देसी बनाते हैं। तभी तो टेस्ट वो बनता है ना। बेसन खोल देंगे उसके बाद फिर बात करेंगे। तो प्रदीप जी अब क्या ऊपर क्या आपने? ये चूल्हा निकाल रहा हूँ। चूल्हा निकाल रहे, क्या बात, निकालो। देखिए इनका पूरा अंदर उन्होंने स्टोरी बनाया हुआ है, क्या बात है यार, मतलब इतनी सी जगह में उन्होंने किचन भी अपना बनाया हुआ है। हेलो, ये चूल्हा बार आ गया, देखिए ये चूल्हा है, मतलब लाइफ देखे इनकी, बात खाने का वो नहीं है, बात है कितने डिफिकल्ट लाइफ है यार। ये मसालेदानी, ये मसालेदानी है, ये देखिए मसालेदानी आ गई, ये मसालेदानी आ गई, ये चमचा आ गया, ये क्या पीछे बर्तन है सारे? हाँ ये बर्तन ही है सारे, थाली है, ये कटोरा है, कटोरा है। और देखिए मतलब कितनी मोहब्बत से ये लोग दोनों जाने यार साथ में रहते हैं, 24 घंटे साथ में रहते हैं, दिन रात रहना पड़ता है, दिन रात रहना पड़ता है। आप एकदम भाई जैसे होंगे नहीं? हाँ मोहब्बत कायम रखे ऊपर वाला आपकी। बहुत से कम्युनिटी में कहते हैं ये कम्युनिटी एक दूसरे से हेट करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो सिंपल आदमी है वो आज भी बहुत मोहब्बत से यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। तो अब ये जो दिलशाद भाई हैं, ये देखिए अब इनका जो स्टोव है वो चालू कर रहे हैं, गैस की टंकी इनके पास है, देखिए ये देखिए गैस की टंकी इनके पास है, ये रही, मतलब पूरा सामान ही लेके चलते हैं साथ में। देखिए गैस चालू हुई है, मतलब यहाँ खाने की बात है, इनको मतलब सर्वाइव करने के लिए खाना है, ऐसा नहीं है कि इनको बस पेट भर के खाना है, लेकिन इनको जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, चाहे कैसा भी खाना है बनाए, लेकिन इनको कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। ये देखिए अब ये तेल डालेंगे इसमें, प्रदीप जी सॉरी क्या नाम है आपका, दिलशाद भाई, दिलशाद भाई और प्रदीप जी की जोड़ी वाकई में उमदा है यार। तेल डालते देखिए इन्होंने इसमें, और डालो तेल डाल, ये देखिए इनका जो, देखिए ये देखिए इनका चमक है, नमक है इसमें, इसमें सारे मसाले हैं, मिर्ची है इसमें, हल्दी है, जीरा है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, ये देखिए क्या बात है। बस 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 बहुत है, इनकी बनाने की एक अलग ही स्टाइल होती है, अपने हिसाब से बनाते हैं, मतलब घर के लोग अलग बनाते हैं, लेकिन ये जो बनाते हैं ना उनका देसी खाना वाकई में काबिल तारीफ है। ये सारे पकौड़े एक साथ जाएंगे इसमें करके? नहीं नहीं सब मिक्स ही जाएंगे ना? मिक्स ही आएंगे करके। अच्छा एक ही करके डालोगे, क्या बात है, जैसे प्याज के हैं, गोभी के हैं और मिर्ची के हैं, आलू के भी होंगे, आलू के भी होंगे, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आलू काट दी, सरसों का तेल है, ये देखिए ये गोभी के पकौड़े डालेंगे सरसों के तेल में, ये देखिए क्या बात, पकौड़े बनाने बस माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके और रिज़्क में बरकत अदा फरमाए और आपने मोहब्बत कायम रखे। ये देखिए कितनी मेहनत से ये लोग बना रहे हैं, और ये देखिए अब ये पकौड़े तैयार होने लग गए हैं, और ये अभी मिर्ची का पकौड़ा जाएगा इसमें, क्या बात है, सर्वाइव करने के लिए इनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए आप गोभी के तैयार हो रहे हैं और साथ साथ मिर्ची के तैयार हो रहे हैं, क्या बात है, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें तैयार करेंगे, आलू आलू उसके बाद फिर आलू के बड़े बनाएंगे, पोहे बनाएंगे, ये देखिए बड़े तैयार हो चुके हैं, क्या बात है यार, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, कलर देखें आप, कलर क्या बात है, कर रही है मिर्ची का बड़ा, क्या बात है, ये गोभी का,
ये प्याज का, ये प्याज का, क्या बात है यार, मजा आ गया माशाल्लाह। देखिए दिलशाद भी अपने फैमिली से बात कर रहे हैं, अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं। पकौड़े अबे नहीं हूँ जयपुर में, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर। इसकी लाइफ भी यार एक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। कैसे? ये देखिए आलू के पकौड़े भी बना रहे हैं, आलू के पकौड़े बन रहे हैं। क्या तुम समझो ना, मतलब इनकी अम्मी का फोन आया है, बात कर रहे हैं। कौन कौन आया वो उनको? चलिए वेट करते हैं, तैयार हो करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये देखिए आलू के भी तैयार हो चुके हैं, होने वाले हैं बस। चलिए पूरे बड़े हम लोग बना देते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे और फिर इनके पोहे कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मम्मी दिलशान भाई ने देखिए बड़े बना दिए हैं और अब पोहा की बारी, पोहा बनाएंगे। पोहा कौन बनाएगा? ये बनाएंगे भाई साहब? अच्छा दिलशाद भाई बनाएंगे, आप बनाओगे? दिलशाद ही बनाएंगे। अच्छा अच्छा दिलशाद भाई बनाएंगे। ये देखिए पोहा तैयार होगा, अभी ये देखिए पोहा की तैयारी हो रही है। देखिए बड़े की क्वालिटी देख रहे हैं, चेक करें, चेक करेंगे बड़े तैयार हैं। आप पोहा के बाद फिर ट्राई करेंगे, फिर अपन वीडियो ख़त्म करेंगे। ये देखिए प्याज है इनके पास, राई भी, देखिए राई भी है। पोहा की तैयारी करें, देखिए अभी ये टमाटर काट रहे हैं, टमाटर की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। और ये प्याज, चलिए बस वेट करते हैं, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे। तो बड़े तैयार हैं, अब ये पोहा की दाल तैयारी कर रहे हैं दिलशाद भाई। ये देखिए सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, सरसों की खुशबू आ रही है। तेल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद फिर ये प्याज और टमाटर को पीछे मिर्ची के, तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसको इसमें राई डालेंगे दिलशाद भाई। तो राई के साथ साथ में प्याज और मिर्ची का ये बघार कर रहे हैं। देखिए इसके बाद थोड़ा सा ये भुनने के बाद में इसमें डालेंगे टमाटर, थोड़े बहुत प्याज थोड़े भुनने देते हैं, उसके बाद फिर मिर्ची कुछ वाली है। तो अब ये मसाला तैयार कर रहे हैं, देखिए मिर्ची डाली इन्होंने इसमें, थोड़ा बहुत नमक, देखिए थोड़ा बहुत गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी जल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दो, थोड़ी सी हल्दी डाल दो, चलो पानी पानी भूलने लग गया ये। टमाटर भी चला गया, अब टमाटर थोड़ा भुनेंगे। टमाटर में क्या थोड़ा बहुत पानी भी होता है, पानी छोड़ देता है टमाटर, इससे क्या है कि पानी डालने की जरूरत नहीं होती। और ये इनका मसाला तैयार है, बस थोड़ा सा उसको भुने देते हैं, उसके बाद चला जा रहा हूँ, वही आ रहा हूँ खाना पीना बनाना। हाँ तो दो ही लाओ, दो तो सही है, चारों ले आओ। ये देखिए बात, तो बस अब इनका मसाला बन चुका है, अब इसमें डालेंगे ये पोहा, पोहा चला गया, इसको मिक्स करेंगे और पोहा हमारा तैयार है। ये देखिए क्या बात है, मस्त तो बना है यार दिलशाद भाई, क्या बात करते हो आप, जबरदस्त। तो बस बनने देते हैं, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे और फिर बाद में हम लोग वीडियो खत्म करेंगे। तो दिलशाद भाई खाना तैयार है हमारा? तैयार है। चलो साहब ट्राई करेंगे इंशाल्लाह।
हमारा खाना तैयार है। बस बस पकौड़ा डाल दो भैया, मिर्ची वगैरह सब डाल दो। ये यहाँ भी रखना है, एक मिर्ची हो गई, एक आलू को डाल दो, एक प्याज को डाल दो, बस बस बहुत है। गोभी को तो डाला नहीं है, गोभी का डाल दो, गोभी का डाल दो, चलो ये रखो। तो ये देखिए बड़े और पोहा हमारा चालू है, बन चुका है, अब इसको ट्राई करेंगे। और तो बस जो हमारा जो खाना है जो दिलशाद भाई और प्रदीप जी ने बहुत मेहनत से बनाया है, देखिए तैयार है और मैं स्टेयरिंग पर रख के खा रहा हूँ। देखिए इसको ट्राई करते चलिए। और आपको पता है कि जब ये पोहा और इसकी बात होती है, चावल की बात आती है, तो मैं ऐसे ही खाता हूँ। क्या बात है, मतलब सब खेल मेहनत का है माशाल्लाह। इतनी मेहनत से इन्होंने खाना बनाया है, बहुत ही लाजवाब है माशाल्लाह, एकदम देसी से बनाया है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे खाना बनाना बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें साथ में चलते हैं। चलिए बड़े ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त। मिर्ची का बड़ा ट्राई करते हैं। माशाल्लाह मजा आ गया। चटनी में रोटी और बेस्ट लगती है। अगली बार इंशाल्लाह। तो बस आप ये वीडियो जैसे हमारे जो ड्राइवर की जो लाइफ के जो वीडियो होते हैं, आप काफी उसको शेयर करते हैं, काफी उसके व्यूज आते हैं माशाल्लाह। इसको भी आप अपनी मोहब्बत से नवाजें और इसको भी आगे लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दिलशाद भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है भाई साहब, नमस्ते। चलो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। शादाब का उसको देखते रहे और आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज।